हे गाइस, सतीश हियर। आई एम बैक विथ अनदर वीडियो। गाइस, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोफेशनल लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट पे ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो, ताकि जब आप किसी वैकेशन पे जाते हो तो आप हर एक मेल को रिप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा जो मेल आपके पास आएंगी, कैसे आप उनको ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट कर सकते हो, ताकि उन लोगों को पता चले कि आप वैकेशन पे हो, देन आपका वो रिप्लाई एक्सपेक्ट करें जैसे ही आप वो वापस रिटर्न ऑफिस पहुंचो अपने। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। मैं अपना लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद में हमें इस सेटिंग्स टैब पे क्लिक करना है। देन यहाँ सेटिंग्स पे देन हमको इस जनरल टैब पे क्लिक करना होगा। गाइस, जनरल टैब पे सबसे नीचे आ जाएंगे हम। यहाँ आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है वैकेशन रिस्पॉन्डर। वैकेशन रिस्पॉन्डर अभी ऑफ हो रखा है, हम इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको जिस दिन से आपको स्टार्टिंग डे चाहिए वो एक दिन पहले, जैसे कि आप 31 जुलाई 2019 को वैकेशन पे जा रहे हैं, तो इसको एक दिन पहले सेट कर दीजिए, ताकि पहले ही लोगों को पता चल जाए कि आप कल से ऑफिस में नहीं होंगे अवेलेबल। ठीक है, तो इसको एक दिन पहले कर दीजिए सेट। देन इसके बाद में आपको जो भी मैसेज उनको सेंड करना है जब आप अवेलेबल नहीं हो, उसको यहाँ टाइप कर लेंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ एक सैंपल तौर पे ये टाइप कर दिया, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फ्रॉम 31 जुलाई 2019 टिल 7 अगस्त 2019। इफ़ यू नीड इमीडिएट असिस्टेंट ड्यूरिंग माई एबसेंस यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ये यहाँ आप कोई भी नंबर टाइप कर सकते हैं, जिस नंबर पे भी आपको लोगों को कांटेक्ट करवाना है जब आप एब्सेंस हो, और ये ईमेल या तो फिर आप टाइप कर सकते हैं, या दोनों चीज़ आप सेंड कर सकते हैं उनको। ठीक है, और अदरवाइज़ आई विल बी रिस्पॉन्ड, अदरवाइज़ आप उनकी मेल्स को रिस्पॉन्ड करेंगे जब आप वापस आ जाएंगे। तो ये सब ये मैसेज में मैंने टाइप किया है। ठीक है, देन इसके बाद में हमको इस मैसेज को सेव कर देना है, सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। ये चेंजेस सेव हो जाएंगे और ये अब सेटिंग अप्लाई हो चुकी है गाइज। ठीक है, अब मैं दूसरी मेल से आपको सेंड करके बताता हूँ। दूसरी मेल से लॉगिन हो जाता हूँ मैं। मैं एक मेल सेंड करता हूं सैंपल। कोई भी सब्जेक्ट डाल देता हूं। एसके प्लीज रिप्लाई एस एम। ठीक है, अब इसको मैं सेंड कर देता हूं। अब देखिए गाइस, यहां अभी टाइम देखिए 6:48 हो रहा है, मैंने मैसेज सेंड किया है। अब देखिए मेरे पास कितनी देर में रिप्लाई आता है। अभी ये देखिए, एंड जस्ट ये 10 सेकंड के अंदर रिप्लाई आ चुका है वहां से ऑटोमेटिक में, एसके वेब स्टूडियो से। कि देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है, आई विल बी आउट ऑफ द ऑफिस फ्रॉम 31 जुलाई 2019 टिल 7 अगस्त 2019। इफ़ यू नीड इमीडिएट असिस्टेंट ड्यूरिंग माई एबसेंस
ये कॉन्टैक्ट नंबर है और ये ईमेल आईडी है, आप लोगों को बोल लियो कि आपके एब्सेंस के टाइम पे आप इन नंबर पे या इस ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जब वो अवेलेबल होंगे देन आपसे वो मतलब जल्दी से जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। देखा गाइस ये कितनी आसानी से हमने ये चीज़ कर ली, सेट कर ली। एंड जब आप वापस दूसरी मेल पे जाएंगे, जैसे ही आपको वैकेशन एंड करनी है, ये मेरी दूसरी मेल है जिस पे मैंने सेट किया था अभी, तो यहाँ से एंड नाउ पे अगर आप कर देंगे वैकेशन तो वैकेशन एंड हो जाएगी। ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्थी, स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड गुड बाय।